सभी को मेरा नमस्कार। ये हम चावल लिए हैं, इसका चल रहे हैं कुछ अलग नाश्ता बनाने। और ये हमारा बेसन है, ये बारीक हमने प्याज काट लिया है। अब इसको चल रहे हैं हल्का सा मिक्सी जार में पीस लेना। लगभग एक कटोरी हमने चावल लिया था। ये हमारा चावल पीस गया है, हमने कच्चा चावल नहीं पका हुआ चावल लिया था। ये हमारा चावल पीस गया है, इसमें हम बहुत हल्का सा मीठा सोडा मिलाएंगे। एक छोटा चम्मच हल्दी, एक आधा छोटा चम्मच मिर्चा पाउडर। अब हम ये छोटा बारीक कटा हुआ प्याज लिए थे उसको मिलाएंगे। और हम मिलाएंगे बेसन, एक छोटा चम्मच हम जीरा मिलाएंगे, अभी भूल गए थे। हम ये पिसा हुआ ये वाला मिर्चा मिलाएंगे, लाल वाला, हल्का सा कलर आने के लिए। नमक मिलाएंगे स्वाद अनुसार। हम इसमें अभी पानी नहीं मिलाएंगे क्योंकि चावल हमारा गीला हुआ है, तो इसको हम इसी तरह से मिला ले रहे हैं अच्छी तरीके से। ये हम सब मिला लिए हैं, हरी धनिया भी मिला लिए। इसको हम रख दे रहे हैं, लगभग हमारा 5 मिनट तक सब सेट हो जाए अच्छे से, तब हम इसको फ्राई करते हैं। ये हमारा लगभग 5 मिनट तक रखे थे, सेट हो गया है अच्छे से। अब इसको चल रहे हैं बनाने। ऑयल हमारा गरम है, इसमें हम चल रहे हैं घी पकाने। इसको बनाएंगे अच्छे तरीके से, हमारा बन रहा है देखिए। इस तरीके से हम इसको पलट दे रहे हैं, हमको धीमी ही आंच में पकाना है, ज़्यादा आंच तेज नहीं करना है, धीरे धीरे ही इसको पकाना है। ये हमारा अच्छे से पक गया है, अब इसको हम निकाल लेते हैं। स्किन कलर देखते हैं, अभी हमने डाला था। इस तरह से हम हाथ में पानी लगा के चपटा कर लिए हैं, इसको हम डालेंगे। इस तरह से हम निकाल लेते हैं, हमारा सभी बन के रेडी हो गया है, देख लीजिए। ये हमारा देखिए नाश्ता बन के रेडी हो गया है। ये अंदर से भी कुरकुरा और एकदम सॉफ्ट है, ये बहुत ही टेस्टी है खाने में। इस तरफ से आप लोग भी बनाइएगा, ट्राई करिएगा, ये नाश्ते में बहुत ही टेस्टी है। अगर मेरा तरीका पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। प्लीज़ दोस्तों, धन्यवाद।